यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2016 पेपर का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है समझते हैं। इसमें टू क्वेश्चन रिलेटेड है, 1 to 2, और इस तरह का क्वेश्चन ने फाउंडेशन कोर्स में किया हुआ है। द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलियन ऑफ एन साइड्स आर इन एपी, यानी एपी के एक पॉलियन है एन साइड का, इसका इंटीरियर एंगल आपको दिया हुआ है एपी में, और स्मॉलेस्ट एंगल आपको बोला है 125, एंड कॉमन डिफरेंस कितना बोला है 5, यानी 120-125 ऐसा, एंड कॉमन डिफरेंस इज 5, यानी स्मॉलेस्ट एंगल अगर हम देखें तो इसको मान लीजिए ए, कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी बोला है 5 डिग्री। हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू कैन एन, एन की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, एक चीज बतानी है। व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलियन, अब एक चीज देखिएगा कि इसमें सबसे बड़ा एंगल पूछा है क्या होगा। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी पॉलियन के एंगल का वैल्यू जो है 180 से ज्यादा नहीं होगा। तो आप देखिए, अगर आप इस सेकंड क्वेश्चन को देखें तो लॉजिक से बता सकते हैं, ए इक्वल टू 160, बी इक्वल टू दिया 195 ओनली, ये होगा नहीं, आइदर 160 और 195, नाइदर 160, तो ये 160 होना चाहिए। अब अगर आप इसे मेथड से करेंगे तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं, सम ऑफ पॉलियन एंगल होता है एन माइनस टू इन टू पाई, पाई मतलब यहाँ पर 180 से है, इक्वल टू आप ले लें एन बाय टू, टू इंटू ए यानी 2 into 120 प्लस एन माइनस 1 into t, ये इसका बेसिक लॉजिक है। यानी अब आप चाहें तो इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कैसे, अगर आप 2 का मल्टीप्लाई कर लें तो n माइनस 2 इंटू 360 इक्वल टू n इंटू 240 प्लस 5n माइनस 5, यानी ऐसा भी बोल सकते हैं n माइनस 2 इंटू 360 इक्वल टू n इंटू, अब देखिए कितना हो जाएगा, 235 प्लस 5n, राइट। आप चाहें तो 5 बाहर ले लीजिए और इसको वैल्यू लेके हम सॉल्व करेंगे कैसे, ये देखिए 5 मैंने बाहर लिया तो 5 4 जा और 5 7 जा 35, राइट, प्लस n, अब ये 5 कैंसिल कर दीजिए तो n माइनस 2, 5 से 5 7 जा और 2 72 इक्वल टू n इंटू 40 n प्लस 47। अब आप ऑप्शन से देखिए तो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है ये देखना है आपको। तो अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया कि व्हाट इज द लार्जेस्ट, मतलब n की कितनी वैल्यू होंगी, तो अब इसको आप चाहो तो सॉल्व कर लो, 72n माइनस 144 इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 47n, राइट, सारे टर्म को एक तरफ ले जाइए, यस, तो क्या हो जाएगा ये देखिए, एन स्क्वायर इसको माइनस कर दीजिए, माइनस 25n प्लस 144 इक्वल टू 0, यानी n माइनस 9, n माइनस 9 इंटू 16, यस, तो n की दो वैल्यू हुई 9 और 16, बट याद रखिएगा आप 2 आंसर मत लिख दीजिएगा, बिकॉज 180 से ऊपर एंगल होना चाहिए, और अगर हम लार्जेस्ट एंगल भी देखें तो देखिए मैंने आपको बोला था 160 आप इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, तो लार्जेस्ट एंगल अगर देखें तो लार्जेस्ट निकालना है ए इज 120, अगर थोड़ी देर के लिए 9 एंगल मान लें तो 9 माइनस 1 8 इंटू 5 करेंगे तो 40, यानी 160, देखिए एक ऑप्शन दिया भी था। अगर आप सपोज 16 ले लेते तो ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती, क्यों, क्योंकि ए प्लस ये हो जाता 15 इंटू डी, यानी 120 प्लस 75 यानी 195 एंगल नहीं होता, तो इन दोनों में गड़बड़ होने के बहुत प्रोबेबल चांसेस थे। तो नंबर वन, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू कैन हैव, वैल्यू दो आएंगी पर इसकी एक्चुअल वैल्यू एक होगी, रियल रूट तो वो बोलेंगे 1, और सेकंड व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल, तो आप बोलेंगे 160 डिग्री ओनली, क्योंकि 180 से बड़ा एंगल नहीं लेंगे, राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है, इफ m इक्वल टू 1001, यानी m का वैल्यू 1 है और n का वैल्यू भी 1 ही है, आपसे बोला है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ m cos थीटा, मींस m cos थीटा माइनस n sin थीटा, इसका मतलब समझिए, एक्चुअल में इसमें m का मल्टीप्लाई के साथ cos थीटा लेना है, तो एक तरह से यहां मिलेगा cos का थीटा और फिर माइनस मिलेगा आपको कितना, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, m cos थीटा माइनस n sin थीटा, मेंटली करने वाला क्वेश्चन है, आप एक्चुअल में यहां लिखेंगे cos थीटा 0 0 cos थीटा, राइट, माइनस ऑफ, इसको माइनस करेंगे जब आप, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे बोलिए, आप लिखेंगे यहां पर 0 sin थीटा, राइट, माइनस sin थीटा एंड 0, जब आपने साइन थीटा का मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा रिजल्ट, और जब आप इसे टोटल माइनस करेंगे तो कुछ आपको ऐसा मिलेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दिस इज राइट,
अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप लिखेंगे कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा दिस इक्वल टू वन। कितना अच्छा क्वेश्चन था, समझिएगा। इसमें बहुत कॉमन मिस्टेक हो सकती थी, हम इसके डिटरमिनेंट निकाल सकते थे, इसके नहीं निकालना है। एक्चुअल में m cos थीटा माइनस n sin थीटा का डिटरमिनेंट निकालना है, यानी इसमें cos थीटा का मल्टीप्लाई करिए, इसमें sin थीटा का मल्टीप्लाई करिए, दोनों को माइनस करिए, और इसका फिर डिटरमिनेंट आपसे पूछा गया था, राइट इसका डिटरमिनेंट आपसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है, इसलिए मैं हमेशा एक बात बोलूंगा कि बेस अच्छा करके चलो, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है। इफ एफ एक्स इक्वल टू, आपको दिया है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, सिमिलर क्वेश्चन है, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आज करेक्ट। आपको एक तो दिया है एफ थीटा इंटू एफ फाइव इक्वल टू एफ थीटा प्लस फाइव, राइट। एंड सेकेंड है द वैल्यू ऑफ, तीन स्टेटमेंट है, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ एफ थीटा इंटू एफ फाइव इज वन, राइट, मल्टीप्लाई में वैसे भी दिख रहा है वो वन ही होगी। एंड थर्ड है द डिटरमिनेंट एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, इवन भी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए सबसे पहले अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालें, तो जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालते तो केवल इस वन के लिए निकलता, तो वो आता कितना, वन। अब एफ एक्स वन आ गया। अब सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि एफ एक्स वन है तो इसका मतलब ये इवन भी है। अच्छा, एफ एक्स वन है तो एफ थीटा भी वन होगा, एफ फाइव भी वन होगा, तो इसका प्रोडक्ट भी वन होगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन भी है। बट जब आपसे ये बोला जाए एफ थीटा इंटू एफ फाइव ये वन होगा, और मैं बोलूं एफ थीटा प्लस फाइव कितना होगा, दिस इज ऑल्सो वन, क्योंकि कॉन्स्टेंट फंक्शन है, यानी ऑल वन टू थ्री आर, उन्होंने पूछा सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, तो ऑल वन टू थ्री आर करेक्ट, यानी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर स्ट्रांगली कंसेप्ट से आप करेंगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। नोट कर लीजिए क्वेश्चन।